हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 16 को लेकर दर्शकों के बीच काफी दिलचस्पी देखी जा सकती है। शो में लगातार नए नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं और शो के फैंस लगातार इसे पसंद भी कर रहे हैं। अब्दू आखिरकार शो में वापस आ गए हैं और छोटे भाई जान के घर में आने से कुछ पॉजिटिविटी फैल गई है। हालांकि वो साजिद खान और निमरित से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर अर्चना, प्रियंका और विकास के बीच लड़ाई देखी गई और वो अर्चना का घर में जीना दूभर कर रहे हैं। नॉमिनेशन के दौरान लगभग आधे घर वाले नॉमिनेट हुए हैं, जबकि बाकी बचे घर वाले वो अपने अपने गेम प्लान पर फोकस करने लगे हैं। लगभग दो सप्ताह पहले मेकर्स ने सृजिता और विकास को वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में घर के अंदर डाला था। दोनों शो में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निर्माता शो में दो और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री का प्लान बना रहे हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर दो कंटेस्टेंट के शो में एंट्री करने की बात चल रही है। खैर, अगर ये बात सच है तो उनकी एंट्री के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि शो में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे और कंटेस्टेंट्स कैसे गेम खेलेंगे। बीते एपिसोड में बिग बॉस सभी घरवालों को लिविंग एरिया में बुलाते हैं। बिग बॉस सभी घरवालों को कहते हैं कि क्योंकि शालीन का बजर अब नहीं रहा है तो इसलिए एक मिनट का मौन रखते हैं। इसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि इस बार सिर्फ घर में एक ही कैप्टन होगा और जो नॉन नॉमिनेट सदस्य हैं उनमें से तीन दावेदारों को चुनना होगा। काफी मजेदार था। इसके बाद सभी घरवाले आपसी सहमति से शिव, अब्दु और स्टैन को कैप्टेंसी का दावेदार बनाते हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कौन बनता है और कैसे घर चलता है। पाकिस्तान की आयशा अपने एक वीडियो मेरा दिल ये पुकारे से रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गई थी। उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ और उनके डांस मूव्स की काफी तारीफ भी हुई। वहीं कई लोगों ने मेरा दिल ये पुकारे पर आयशा के डांस मूव को कॉपी करने पर जमकर रील्स भी बनाई। वहीं पाकिस्तान की वायरल गर्ल का हरियाणवी गाने पर डांस का नया वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो की वजह से आयशा को ट्रोल भी किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की वायरल गर्ल का लेटेस्ट वीडियो हरियाणवी सॉन्ग दिलता तो पहले ही ले गया पर है। सॉन्ग पर कंटेंट क्रिएटर ने सूट पहने हुए एक गार्डन में अपने डांस मूव्स दिखाए हैं। अपने इस लेटेस्ट वीडियो को उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि दिल तो पहले ही ले गया है। वहीं आयशा का एक वीडियो लाखों लोगों ने लाइक किया है और शेयर भी किया है। हालांकि कुछ यूजर्स ने आयशा के इस गाने को पसंद नहीं किया और अपनी नाखुशी कमेंट सेक्शन में जाहिर कर दी। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, देखो कितनी खुश दिख रही है, अब इसे कौन बताएगा इसकी ये पॉपुलैरिटी इंडियंस की ही देन है। वहीं एक और यूजर से लिखा है, नहीं नहीं ये नहीं होगा वायरल। वहीं कुछ यूजर्स ने वीडियो में आयशा का टूटा दांत दिखने पर मजाक भी बनाया। पाकिस्तानी गर्ल और ग्रीन कुर्ता गर्ल नाम से वायरल हुई आयशा महज 18 साल की है। उनके इंस्टाग्राम पर 500K से ज्यादा फॉलोअर्स है। वहीं सोशल मीडिया पर अपनी रील्स डालती रहती है जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। अब हरियाणवी गाना क्या पसंद आएगा फैंस को ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा दिल ये पुकारे से वाकई आयशा छा गई हैं। सोशल मीडिया स्टार किली पॉल आज के वक्त में इंटरनेट पर एक जाना माना नाम है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। किली अक्सर बॉलीवुड गानों पर लिप सिंग या फिर डांस करते हुए अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसी बीच अब उनकी बहन नीमा पॉल ने दीपिका पादुकोण के गाने बेशर्म रंग पर डांस किया, जिसका एक वीडियो किली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी बहन नीमा पॉल बेशर्म रंग गाने पर दीपिका के डांस स्टेप्स को काफी हद तक कॉपी कर रही हैं। वहीं उनसे दूर खड़े किली पॉल भी इस गाने पर झूमते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए किली पॉल ने कैप्शन में लिखा, ट्रेंड, उन्होंने अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश की है। नीमा पॉल और किली पॉल के इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपने तो दीपिका पादुकोण से भी अच्छा किया है, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आप दोनों को ढेर सारा प्यार। ऐसे ही कई यूजर्स किली पॉल और नीमा पॉल की वीडियो पर कमेंट करते हुए उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बता दें कि किली पॉल और नीमा पॉल तंजानिया के रहने वाले हैं। दोनों ने बॉलीवुड गानों पर डांस और लिपसिंग करके पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। किली पॉल दुनिया की नजरों में तब आए जब उन्होंने शाहरुख खान के गाने पर लिपसिंग करते हुए एक्टिंग की। उनका ये वीडियो भारत में काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद उन्होंने इसे ही अपना पेशा बना लिया। अब किली पॉल सोशल मीडिया पर बॉलीवुड गानों और डायलॉग्स की एक्टिंग करते हैं, इससे उन्हें लाखों की कमाई हो रही है। किली भारत की यात्रा भी कर चुके हैं। इस दौरान वो झलक दिखला जा सीजन 10 में माधुरी दीक्षित के साथ डांस करते हुए भी नजर आए थे। तो ऐसी चटपटी मसालेदार खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।